कामनाएं, रक्षाबंधन भाई बहन के बीच असीम स्नेह और आदर के बंधन का उत्सव है। इस पावन अवसर पर हम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लें, समाज में उनके लिए एक सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है और देश भर में इसका हर्षोल्लास आज देखने के लिए मिल रहा है। ये त्यौहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बहन भाई के इस पवित्र त्यौहार के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है। यह त्यौहार भाई बहन के प्यार का अटूट बंधन दिखाता है। तो राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी बहन को प्यार से पैसे या तोहफे देते हैं और सदैव उसकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। अगर रक्षाबंधन के इतिहास की बात करें तो त्यौहार सदियों पुराना माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई इस संबंध में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कथाएं बहुत हैं। तो देश भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार जोर शोर से मनाया जा रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में लोग कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। तो आज राखी का त्यौहार है, देश भर में खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास चारों तरफ नजर आ रहा है, बाजार पूरी तरह से सजे हुए नजर आ रहे हैं। आज भी मिठाई की दुकानें भी पूरी तरह से सजी हुई हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो लगातार खुशियां बरसाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है और इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी देशवासियों को बधाई दी। अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं। तो आपको बता दें कि आज देश भर के कोने कोने में बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, उनका मुंह मीठा करा रही हैं, साथ ही साथ अपनी रक्षा करने का वचन भी अपने भाइयों से लेती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में अभी आपको सावधान रहने की जरूरत है, सावधान कोरोना से, क्योंकि दूसरी लहर का प्रकोप अब भी है, क्योंकि मामले अब भी आ रहे हैं। कई राज्यों ने आज के दिन भारी छूट दी है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन भी खत्म हो गया है, तो ये कहीं बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि बीते कई महीनों से रविवार का जो लॉकडाउन था वो लगा हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब रविवार का लॉकडाउन खत्म हो गया है। तो ऐसे में हर्षी खुशी रहकर आप राखी का त्यौहार आराम से मना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का कल रात करीब 9:15 बजे लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 89 साल के थे। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरोरा में गंगा घाट पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उन्होंने प्रदेश में 23 अगस्त को एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में उन्होंने हमेशा अहम भूमिका निभाई तथा आने वाली पीढ़ियों इसके लिए उनकी आभारी रहेंगी। उन्होंने कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह से बात की और संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। आपको बता दें कि कल्याण सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें कि काफी दिनों से वो लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। कई बार उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। ऐसे में कल भी उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी, जिसके बाद लखनऊ में एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन करीब 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का कल रात करीब 9:15 बजे लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 89 साल के थे और काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। पिछले लॉकडाउन में भी उनकी हालत ख़राब थी और स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन वो वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद इस बार भी कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन देर रात उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन 9:15 बजे करीब उन्होंने दम तोड़ दिया। तो कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरोरा में गंगा तट पर किया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं।
रूबी कल्याण सिंह का निधन देर रात हुआ है और शोक की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में या कहें कि देश में दौड़ती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक जगत में खासकर शोक देखा जा सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक की बात करें तो कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार कब होगा और परिवार के प्रति किस तरह की संवेदनाएं देखी जा सकती हैं? काजोल, सबसे पहले बता दूं, कल्याण सिंह 2 महीने से अस्वस्थ चल रहे थे और रात 9:15 के करीब में उन्होंने आखिरी सांस ली है। और जो 23 तारीख को नरोरा में गंगा तट पे उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और विधान भवन में दोपहर 11 से 1 बजे तक, पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 से 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कल्याण सिंह एक ऐसे नेता थे जिनको भारतीय राजनीतिक सिंह माना जाता था, राजस्थान हो या हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल रह चुके हैं। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के में कल्याण सिंह जी को प्यार से लोग बाबू जी करके पुकारा करते थे। उन्होंने 26 अगस्त 2014 को राजस्थान का पहला यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्हें प्रखर और राष्ट्रवादी राजनेता के रूप में जाना जाता था। और इसके साथ ही साथ लखनऊ की अगर हम बात कर रहे हैं तो लखनऊ में विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी में शोक की लहर देखने को मिल रही है। सभी राति में जैसे सबको सूचना मिलती है, सभी लोग उनके आवास पर पहुंचते हैं अंतिम दर्शन के लिए। अभी भी बीजेपी के जितने आला कमान है वो भी पहुंचने वाले हैं। सूचना ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुंच सकते हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। रूबी, क्या उनका जो पार्थिव शरीर है उनके पैतृक आवास पर रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए? जी बिल्कुल काजोल, पहले जहाँ पे वो एडमिट थे वहाँ से उनको निकाल के फिर सीधे उनके आवास में लाया गया ताकि जनता जो है वो भी एक बार उसके दर्शन कर सके। इसी वजह से विधानसभा यानी कि विधान भवन भी रखा जाएगा और उसके बाद पार्टी कार्यालय पे भी रखा जाएगा। क्योंकि जो उसके बहुत ही करीब थे या ये कह सकते हैं बहुत लोग उनसे बाबू जी कह के पुकारते थे, वो सब उनको आखिरी बार देखना चाहते हैं यानी कि श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। ऐसे में यही खास ख्याल रखा गया है, सुरक्षा को भी ध्यान रखा गया है कि कोरोना काल के प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा गया है कि लोग पहुंचेंगे तो उन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अंतिम जो दर्शन होंगे उसके लिए लास्ट जो कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल रूबी, अगर बात की जाए कल्याण सिंह जी की तो हमारे बीच नहीं रहे हैं वो और देश भर में शोक जताया जा रहा है। बीते कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। पिछले साल अगर कोरोना की बात करें तब भी उनकी हालत बिगड़ गई थी अचानक, लेकिन उसके बाद देर रात क्या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी? उनके निधन की वजह क्या है? डॉक्टर्स की तरफ से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है उसमें क्या वजह बताई गई है? काजोल, डॉक्टर पहले से ही बोल रहे थे स्थिति जो है अस्थिर बनी हुई है क्योंकि हालात बहुत बुरे चल रहे थे। लगातार उनको निगरानी में रखा गया था, डॉक्टर का एक अलग पैनल बनाया गया था ताकि एक सेकेंड के लिए भी वहां से कोई डॉक्टर हटे ना, खास निगरानी में रखा गया था। लेकिन जो उनकी स्थिति थी वो संभल नहीं रही थी। डॉक्टर का पहले से भी कहना था कि नाजुक बनी हुई है और लगातार ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कब तक ठीक हो सकते हैं। लेकिन कल का जो दिन था वो कह सकते हैं कि हमारे बीच से जो नेता थे बीजेपी के गद्दावर नेता माने जाते थे, रात को सूचना मिलती है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। उसके बाद से लगातार जो डॉक्टर थे उनका भी एक रूटीन ये जारी हुआ तो उन्होंने यही बताया कि आज कल्याण सिंह जी बिल्कुल रूबी, उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। तमाम बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं, क्या कोई अपडेट मिल पा रहा है कौन कौन वहां पहुंचा है दर्शन के लिए? अंतिम संस्कार तो कल किया जाएगा लेकिन आज अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। देखिए काजल, रात की से मैं बता रही हूँ, रात में सबसे पहले मुलायम सिंह यादव की बहू है अपर्णा यादव भी पहुंची है और विपक्ष हो या पक्ष हो सभी जो नेता है वो लगातार पहुंचने की कवायद शुरू हो चुकी है। मायावती भी खुद पहुंची है, उनके जो सगे संपत्ति है उन लोगों से उन्होंने मुलाकात करी है, संवेदना व्यक्त की है। और सुबह से अभी बीजेपी के जितने भी आला कमान यानी कि सीएम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के खुद पहुंचे हैं, रात में भी वो पहुंचे थे और उसके बाद रांची में उन्होंने एक मीटिंग की थी कैबिनेट की और उसके बाद उन्होंने शोक प्रस्ताव जारी कर दिया था कि 23 तारीख को राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा।
तो अभी जो संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं और जेपी नड्डा हो या राजनाथ सिंह हो या ये अमित शाह हो, ये सभी की पहुंचने की जो सूचनाएं मिल रही हैं। बिल्कुल, और ये वाकई दुख की घड़ी है पूरे देश के लिए, क्योंकि कल्याण सिंह जी भले ही बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हों लेकिन विपक्ष के साथ भी उनके संबंध हमेशा से ही बहुत बेहतर रहे हैं। और रूबी, क्या कुछ नया अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी खबर को लेकर? काजोल, अभी तक जो सूचना है कि यही है कि जो लोग पहुंच रहे हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ उसके बहुत करीबी ऐसे नेता भी थे जो उनके पास थोड़ी देर खड़े भी रहे और उसके लिए प्रार्थना करते रहे कि उसको स्वर्ग में जगह मिले, और उसके बाद कुछ जनता ऐसी है जो लगातार बाहर खड़ी हुई अंतिम दर्शन पाने के लिए। इन वजह से ही सुबह 9 से 11 बजे तक उसको निवास पर रखा जाएगा और उसके बाद विधान भवन में दोपहर 11 से 1 बजे तक, फिर पार्टी कार्यालय पे भी 1 से 3 बजे तक रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। तो वजह यही है कि चाहते नेता थे, लोग देखना चाहते हैं आखिरी बार की हमारे बीच से कल्याण सिंह जी जा चुके हैं और एक बार फिर मौका मिल रहा है हम उनसे देखने के लिए, रूबरू होने के लिए। तो अभी जो व्यवस्था है वो साफ कर दी गई है कि खासतौर से सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट हो चुका है और यहाँ पे लखनऊ में बीजेपी हो या फिर पार्टी बाकी पार्टी कार्यालय लोगों की बात करें तो यहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। चलिए रूबी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है और उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती भी पहुंची हैं, इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं और श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित कर सकते हैं, कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सतासी लोगों को एयर इंडिया के विमान से दिल्ली लाया गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात खराब होते जा रहे हैं, ऐसे में भारत सरकार ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया है। अफगानिस्तान में फंसे 87 भारतीयों की स्वदेशी वापसी हुई है। तस्वीरें देखिए कि भारतीय कितने ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इन सभी 87 लोगों को एयर इंडिया के विमान से दिल्ली लाया गया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर बताया कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। एयर इंडिया के विमान तजाकिस्तान से 87 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुँच रहा है, इनमें 2 नेपाली नागरिकों को भी शामिल किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दुशांबे तजाकिस्तान में हमारे दूतावास के द्वारा भारतीयों को वापस लाने में काफ़ी मदद मिल रही है, वहां फंसे लोगों को स्वदेश वापसी के लिए और अधिक विमानों को काम में लाया जाएगा। अफगानिस्तान से निकाले गए भारतीय नागरिक विमान में सवार होते ही भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा है कि उल्लासित लोग अपने घर की यात्रा पर निकले हैं। बता दें कि इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि तालिबानियों ने करीब 150 भारतीय नागरिकों को अपने कब्जे में ले लिया था। कब्जे में लेने के बाद तालिबानियों ने सभी भारतीय नागरिकों को किसी अन्य जगह पर ले गए थे, जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि सभी को अगवा कर लिया गया है, लेकिन बाद में मामला सामने आने के बाद तालिबानियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी और दावा किया था कि सभी भारतीय नागरिकों को दूसरे गेट से एयरपोर्ट के अंदर ले जाया गया है। तालिबानियों ने दावा किया था कि किसी भी भारतीय नागरिक का अपहरण नहीं किया गया है और ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन अब उनकी वतन वापसी हुई है और इस वतन वापसी में वो काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लाहित नजर आ रहे हैं। 87 लोगों को जो विमान है वो वापस लेकर आया है, भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है, ऐसे में भारत माँ की जय के नारे लगाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खुश हैं वतन वापसी को लेकर। आप बता दें कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो गया है, ऐसे में लगातार खौफ का मंजर है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो डर है वो नजर आ रहा है। कल जानकारी मिली थी कि 150 भारतीयों को तालिबानी जो लड़ाके हैं वो कहीं ले गए हैं, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि उनका अपहरण कर लिया गया है, जिसके बाद तालिबानियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कहा कि दूसरे गेट से उन्हें एयरपोर्ट ले जाया गया है और किसी भी भारतीयों को कुछ भी नहीं कहा जाएगा और उन्हें सकुशल रखा जाएगा, जिसके बाद राहत की सांस ली गई और आखिरकार इंडिया का विमान जो है वो 87 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंच गया है।
दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। 5 दिनों तक कई राज्यों में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल मौसम का मिजाज जो है पिछले 2 दिनों से बदला बदला सा लग रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को जहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, वहीं अन्य कई राज्यों में भी रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को 138.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया, जल भराव हो गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ये दिल्ली में 14 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। वहीं आज के लिए भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में हरियाणा के रोहतक, महकम, झज्जर और उत्तर प्रदेश के खतौली, बड़ौत में तेज बारिश हो सकती है और इसके साथ ही राजस्थान के राजगढ़ जिले के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश होने की आशंका जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार में भी भारी बारिश की संभावना जताई है और इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है और लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगर दिल्ली और NCR की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव हो गया है। ऐसे में यातायात निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा लोग जो हैं उनको भी जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज राखी का त्यौहार है, लोग तमाम जगह का यहाँ पर निकल रहे हैं, तमाम जगह से अपने परिवार के पास और अपने भाई बहनों के पास पहुँच रहे हैं। ऐसे में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सुबह से ही बारिश का मौसम बना हुआ है और पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम है और ऐसे में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना कल से ही करना पड़ रहा है। कई राज्यों में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को 138.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के कई हिस्सों में भारी जलभराव की वजह से यातायात बाधित हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक ये दिल्ली में 14 साल में एक दिन में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। वहीं आज के लिए भी भारत मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है आने वाले समय में भी। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की BJP सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि जैसी हालत अमेरिका की अफगानिस्तान में हुई, वैसी ही कश्मीर में भारतीय सेना की होगी। मुफ्ती ने कुलगाम में एक जनसभा में अफगानिस्तान का हवाला देते हुए कश्मीर में भी ऐसे ही उलटफेर की चेतावनी देते हुए अमेरिकी सेना जैसे हाल होने की बात कही है। राव साहब दानवे ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है। राव साहब दानवे ने कहा है कि राहुल गांधी छुट्टा सांझ की तरह है और वो किसी काम के नहीं है। दानवे की इस अभद्र टिप्पणी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हटाने की मांग की है। दानवे ने महाराष्ट्र के जालन जिले में जनसभा में राहुल गांधी पर आलोचनात्मक टिप्पणी की। नवनियुक्त वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ द्वारा निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनसभा का आयोजन किया गया। मराठी में अपना भाषण देते हुए दानवे ने कहा है कि राहुल गांधी किसी काम के नहीं है, वो भगवान को समर्पित सांड की तरह हैं। वो हर जगह घूमते हैं लेकिन किसी के काम नहीं आते। मैं 20 साल लोकसभा में रहा हूं और उनका काम देखा है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने आगे कहा कि ऐसा सांड भले ही किसी खेत में घुसकर फसल को खा जाए, लेकिन किसान ये कहकर जानवर को माफ कर देता है कि उसे भोजन की जरूरत है। दानवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे महान कार्यो को देखना चाहिए। सरकार अपने खजाने से पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि रेलवे टिकटों की बिक्री समेत विभिन्न स्रोतों से पर्याप्त राजस्व नहीं जुटा पाता है। तो राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी की गई, केंद्रीय मंत्री दानवे ने राहुल गांधी पर यह अभद्र टिप्पणी की है। आप बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो लगातार BJP निकाल रही है, इसके तहत ये भाषण दिया गया और भाषण के दौरान राहुल गांधी को छुट्टा सांड बता दिया गया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त को अफगानिस्तान से वापस आने वाले उत्तराखंड वासियों के संदर्भ में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के निरंतर संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्थानिक आयुक्त को अफगानिस्तान से लौटने वाले उत्तराखंड के लोगों को निःशुल्क उत्तराखंड पहुँचाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे लोगों की सूची स्थानिक आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से जो हमारे उत्तराखंड के लोग वापस लाए जाने हैं, उनके परिवार वालों से ये निवेदन है कि उन लोगों के अफगानिस्तान के दूरभाष नंबर उपलब्ध करा दें ताकि उनसे संपर्क किया जा सके। ये जानकारी जो नंबर दिए गए हैं उस पर उपलब्ध करा सकते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये कहा गया है कि अफगानिस्तान से लौटने वाले उत्तराखंड के लोगों को बेहतर सुविधा दी जाए और जो परिवार वाले हैं वो भी एक नंबर सुनिश्चित करा दे ताकि आसानी से उन्हें ढूंढ लिया जाए। तेल कंपनियों ने आज यानी कि 22 अगस्त के पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। यूं तो ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, लेकिन अगर आज के भाव की बात करें तो इंडियन ऑयल के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। लेटेस्ट रेट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, जबकि डीजल की कीमत भी 20 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 101.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.07 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 86.64 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 107.66 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि बीते 35 दिनों से पेट्रोल के भाव स्थिर थे, अब पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है। बता दें कि कल यानी शनिवार से पहले लगातार 3 दिन तक डीजल के दामों में कटौती हुई थी। हालांकि पेट्रोल के रेट 36 दिन यानी कि एक महीने से अधिक लंबे समय से स्थिर हैं। इससे पहले पेट्रोल के भाव में आखिरी बार 17 जुलाई को बदलाव हुआ था, जबकि 18 जुलाई से पेट्रोल की कीमतें स्थिर थी। बीते 18 अगस्त से 20 अगस्त तक डीजल की कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर की रोजाना कमी हुई है। इसके बाद आज चौथी बार डीजल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इस तरह से अब तक डीजल 80 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो चुका है। तो एक सप्ताह में 80 पैसे सस्ता हुआ डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भी हल्की सी मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।